कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है, उनके साथ महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगार बेरोजगारी का जो मान उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आज उनके साथ। ब्रह्मा सिंह का इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? वो अपने अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए हैं ना, उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसे होता है। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए तो उसमें कोई नहीं। अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं होती और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर फंड और राशि नहीं भेजते तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर पटना की बात करें तो पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है वो इंडिया गठबंधन के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और सामने है रामकृपाल यादव। और मीसा भारती आज प्रचार प्रसार करते हुए परसा बाजार पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पे कई सवाल खड़ा कर दिए, और साथ ही साथ रामकृपाल यादव पर भी सवाल खड़ा किए हैं कि 10 वर्ष से वो यहाँ के सांसद है, क्या किए हैं, तमाम तरह की बातें करती नजर आई है मीसा भारती। आपको पहले सुनाते हैं कि मीसा भारती क्या कुछ कह रहे हैं। को मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय किया। बेहिटा में एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है वहां के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो सड़क पर है किसान लगातार, रामकृपाल यादव जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीसा जी अगर हमारे समर्थन में आएगी तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे पोर्टल चैनलों से भी मैंने न्यूज देखा था। वो दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना बेटा जी, तो वहाँ पे यही तो कह रही हूँ कि एक तरफ आप सड़क जब लेते हैं तो उसको प्रॉपर जो 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 उचित जो उनको मुआवजा है वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस तरह की जमीनें अधिग्रहण करती है तो उसको उचित मुआवजा समय पे उसको मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिहार के किसी भी जनता के दुख सुख सब में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। 2014 में 39,000 वोटों से हारी हुई थी, 2019 में 40,000 वोटों से, तो 2024 में कितने वोटों से वो जीतती है? इस बार जनता ने तय कर रखा है। लगातार आप जनता के बीच घूम रही हैं, तमाम आपके नेता घूम रहे हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात नहीं करें, लेकिन कितना समर्थन मिला आपको? वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं। कौन लोग हैं? एनडीए के लोग कह रहे हैं। कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है, उनके साथ महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगार बेरोजगारी का जो मान उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आज उनके साथ। महागठबंधन कितनी सीटें आ रही है उस बार? मीसा जी वो बीजेपी का आरक्षण खत्म करने वाले राजद के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ओबीसी अब ये तो सामने है, उसमें छुपा हुआ क्या है? मीसा जी रामा सिंह सब सामने है, रामा सिंह ने राजद से इस्तीफा दिया है, आरोप लगाया है कि देखिए जब 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 भटक चुकी है, जब जब चुनाव आता है किसी को अगर टिकट नहीं मिलता तो सब दल में ये होता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है रामा सिंह जी का। रामा सिंह जी का जो मुद्दा है, रामा सिंह का इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? वो अपने अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए हैं ना, उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसे होता है। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए तो उसमें कोई नहीं। 2005 के पहले क्या था तो वो बिहार की जनता जब जानती है सारा। लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं, अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं होती और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर फंड्स और राशि नहीं भेजते तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते। सवाल ये भी है जनता के मन में, आप राज्यसभा सांसद हैं, बहुत 3 साल लगभग टर्म आपका बचा हुआ है, फिर एक कार्यकर्ता को देने की बजाय आप खुद चुनाव लड़ रही हैं। ये भाजपा में भी ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, नवादा में लड़ रहे हैं। कितना समय बचा है? कितना समय बचा है? 5 साल बचा हुआ, 5 साल बचा हुआ, तो मेरा तो 3 साल बचा हुआ है।
पांच साल वाला भाजपा का है तो लड़ सकता है, और हम महिला हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। ये मुद्दा है इस देश का। और पूछिए, देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उससे मैं यही अपील करूंगी कि वो अपना वोट का प्रयोग जरूर करे, जिसको भी दे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पिछला जो उन लोगों ने देखा कि किस तरह से देश में चल रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है खास तौर पे, वो इंडिया गठबंधन के प्रति पूरा झुकाव है। जनता को एक शुभकामना आप तरफ से संदेश दे दीजिए, संदेश एक दे दीजिए जनता को, जनता सुनना चाहती है। नहीं मतलब क्या संदेश, संदेश बरसा आप आई हैं, बरसा के लोगों को क्या संदेश देंगे, जीत कराएंगे तो क्या करेंगे बरसा के? नहीं परसा के लोगों को, मैं परसा में हूँ अभी यहाँ पे, तो परसा के लिए एक अपनी अलग समस्या है। बहुत जगह मैं गई तो वहाँ पे एक जो रेलवे ट्रैक वहाँ पे सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ जल जमाव बहुत होता है। अभी मैं इतवारपुर में थी तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं। और बहुत जल्द मैंने कहा कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र के स्पेशली, क्योंकि 6 विधानसभा वहाँ आता है और हर एक विधानसभा की अपनी समस्या है अलग अलग। जैसे विक्रम जाती हूँ तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर का है, डाकला का है, लाइब्रेरी का इशू है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी एक छोटा सा एक मैनिफेस्टो मैं अपने पाटलिपुत्र क्षेत्र की आप सबके सामने लेकर के आऊँगी और उसकी चर्चा करूँगी। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर बीस अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ भटकाने वाली बात करते हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करते हैं। रामकृपाल यादव जी बताए कि 10 वर्ष से वो यहाँ के सांसद हैं, क्या कहे किए हैं, तमाम जो समस्याएं हैं अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। साथ ही साथ रामा सिंह को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल किया कि रामा सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसी तरह जब चुनाव आता है तो तमाम जो नेता है सब चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, और टिकट नहीं मिलता तो इसी तरह का खेल करते, कोई नई बात नहीं है। और भी तमाम तरह की बातें नजर आई करती हुई मीसा भारती आप भी देख रहे हैं, आपने सुनी होगी क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।